अब गुड़गांव में नहीं चोरों को किसी का भी डर, खुलेआम कर रहे हैं चोरियां। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि थाना क्षेत्र फर्रुखनगर में अज्ञात चोरों द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंडेवाला में चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस को दी शिकायत में प्रधानाचार्य सुखबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात्रि विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसका बुधवार सुबह पता चला। इस दौरान अज्ञात चोरों ने एक इन्वर्टर, 8 बैटरी, एक टीचर टेबल, 22 टैब चार्जर सैमसंग, एक कैन रिमोट सहित 2 UPS, 15 क्रोमबुक चार्जर सहित 17 कीबोर्ड चार्जर सहित कंप्यूटर लैब से 1 इन्वर्टर बैटरी सहित ऑटोमोबाइल लैब से 5 टूल किट, 1 ड्रिल मशीन, 14,390 रुपए कैश जो 15 अगस्त पर गांव के लोगों ने डोनेट किए थे। इसके अलावा 2 स्कूल बैग, 1 चादर, 1 तौलिया, 1 HP प्रिंटर, 2 पेस्ट फाइल, 4 रिकॉर्ड फाइल, 5 स्टॉक रजिस्टर, 4 फाइल, 3 पुराने रिकॉर्ड के रजिस्टर, 1 फाइल, साइंस लैब, 4 सैमसंग प्रिंटर कार्टून, 4 ऑफिस रिकॉर्ड बुक, 2 स्प्रे टंकी, 2 रिम A4 साइज पेपर एग्रीकल्चर लैब से चोरी करके ले गए, जिन्होंने 18 अलमारी को तोड़ दिया, 3 मेन गेट के ताले तोड़े, 5-11 डोर लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सामान की बरामदगी पर सामान की सुपुर्दारी विद्यालय को दी जाए। मौके पर मौजूद प्रधानाचार्य और ग्राम प्रतिनिधि ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं क्या था चोरी होने का मुख्य कारण। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखबीर है। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं यहाँ वैसे तो PGT कॉमर्स हूँ, लेकिन मेरे पास DD पावर है GSS खंडेला की, 1 मई 2024 से। क्या वारदात हुई थी, क्या क्या चोरी हुई? अभी इसका आकलन पुलिस टीम और FSL टीम आई हुई हैं, वो आकलन करने लग रही हैं। हमें अंदर पूरा जो अपना सामान है उसकी रिकॉर्डिंग अभी हमने नहीं देखी है, और जैसे हम मेरा पूरा स्टाफ एक बार जी अपना जो पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कर लेगा, उसके बाद हम इसको देख के और बाकायदा आपको इंटीमेट भी करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को भी करेंगे। कोई आइडिया है किस टाइम कोई वारदात हुई, कौन है? आइडिया हमारे पास यहाँ रात का चौकीदार नहीं है, एक PN है हमारे पास, वो लेडीज है और वो दिन में आती है, और ये वारदात रात को हुई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में व्हीकल के साथ आदमी आए हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कटर वगैरह का यूज़ कर रखा है, और एक भी स्कूल की कोई अलमीरा ऐसी नहीं है जिसको ना खोला गया हो ना निकाला गया हो। सर चौकीदार कितने समय से नहीं है स्कूल? चौकीदार हमारा ये January 2023 से नहीं है सर। प्रशासन से लिखा था आपने कोई? हाँ, प्रशासन से लिखा था और डिमांड करी थी, और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्दी इसका निवारण कर दिया जाएगा। आज तो बता रहे हैं सर कि अभी चौकीदार यहाँ पे आ गए। हाँ, अभी अब जैसे मेरी BO सर से बात हुई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे जो नज़दीकी गाँव में चाणा है वहाँ से रात के लिए एक चौकीदार नियुक्त कर दिया गया है। चोरी से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी ना? चोरी से पहले नियुक्ति नहीं हुई थी, बाद में नियुक्ति हुई है, लेकिन हमने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया था। क्या नाम है? मैं कुलदीप सिंह, गांव खंडेवाला से सरपंच प्रतिनिधि। क्या वारदात हुई थी, कितनी क्या चोरी हुई है? चोरी का तो आकलन अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चला है, पुलिस विभाग के कर्मचारी वो पुलिस विभाग से आए हुए हैं, तो वो अपना एक बार आंकलन देखने लग रहे हैं, और कुछ हमारे जो प्रिंसिपल साहब है और टीचर है उनकी जानकारी के मुताबिक आपको बता दिया जाएगा। क्षेत्र का बहुत बड़ा स्कूल और पुराना स्कूल है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई चौकीदारी नहीं था, तो कितने समय से चौकीदार नहीं, और क्या आपने BO साहब को बोला नहीं कि भाई चौकीदार की आवश्यकता है गाँव से? जैसा अलग है स्कूल, जैसा कि आपको बताया गया है कि January 2023 से यहाँ पे चौकीदार नहीं है, इससे पहले एक लड़का था पवन, उसका तबादला हो गया था, तो कहने का मतलब हमने बार बार प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि एकांत में हमारा स्कूल पढ़ता है और काफ़ी पुराना स्कूल है, और जो मैं आपसे बताने लग रहा हूँ कि 12th तक का स्कूल हमारे सबसे पुराना स्कूल यही था, तो ये गांव से एक तरफ है एकांत में है, तो चौकीदार ना होने के कारण हमें भी इस चीज़ का भय बना रहता था कि कभी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, तो और उसी के मद्देनज़र आज ये दिन देखना पड़ा। क्या स्कूल में कोई CCTV कैमरा? नहीं, CCTV कैमरे कोई नहीं है जहाँ तक मेरे को जानकारी है। दूसरा, इस चोरी की घटना की जानकारी सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब श्री सुखबीर जी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ था कि भाई स्कूल में काफ़ी भारी मात्रा में चोरी हुई है, तो उसी के लेवल पर मैं आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं चोरी? प्रशासन से तो मैं यही मांग करता हूँ कि एक तो हमारी ये बिल्डिंग जो एकांत में बनी हुई है, इसके मेन गेट पे जो ताले लगे हुए हैं उस ताले का भी इतना कोई मेन महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी जो इस बिल्डिंग के जो 3 कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे, और वो DC साहब के अनुमति से
उन्हें मतलब हटा दिया गया है, तो वो जब तक नहीं बनेंगे इतने, ये बिल्डिंग खुली है बैक साइड से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक तो हमारे जो चौकीदार अभी तक नियुक्त नहीं हुआ था, अभी हमने कॉल की थी बी ओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने एमरजेंसी में मेहचाना से यहाँ पर नियुक्त किया है आज ही, चोरी होने के बाद नियुक्त किया ना जी जी। तो और मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि हम जल्द से जल्द हमारी जो ये बिल्डिंग के 3 से 4 कमरे जिनकी जगह ओपन होने की वजह से मतलब कभी भी कोई भी और भी घटना हो सकती है, तो उसको मद्देनज़र उन कमरों का जल्द से जल्द निर्माण करवा जाए और ये बिल्डिंग जो सुरक्षित रह सके।